hello everyone welcome back to the lecture number second of business risk and financial risk leverage so in the previous one we have solved one question related with the simple part how to calculate the operating leverage financial leverage and the combined leverage so i have also given one question for you to practice and it was similar to the question which we have solved only the numbers were different so that can help you to clear your basics from the chapter and revise all the formulas related to the business risk and financial risk leverages. Concerns. So, in this lecture, we are going to solve a different type of question, and the series will be same. One question I will be solving over here, and you will be having similar type of question for homework, so that this type of level will also be cleared related with the chapter. So, we are going to calculate the three leverages, as well as with that we are going to solve some points related to return on investment some of the comments we we are, we are going to give about the assets turnover ratio and uh, we will be also calculating some revised part related to the EBITs concern so let us first check the question related with the part which we are going to solve today uh, the question is in this format a firm has a sales of 75 lakhs variable cost is rupees 42 lakhs fixed cost is 6 lakhs it has debt of rupees forty-five lakhs and the rate of the debt is nine percent. That means the interest rate will be nine percent. Equity value is given to you as fifty-five lakhs. Calculate uh, the firm's ROI that is called return on investment. Uh, does it have a favorable financial leverage? And uh, question point number three says: If the firm belongs to an industry whose assets turnover is three, does it have a high or low asset leverage? एंड पॉइंट नंबर फोर्थ सेज वॉट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कम्बाइंड लिवरेज इफ द सेल्स ड्रॉप टू फिफ्टी लैक्स फाइंड न्यू ई बी आई टी तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है लिवरेज uh, कैलकुलेट हमें करने हैं नॉर्मल हमारे एंड अगर आपका सेल्स अगर फिफ्टी लैक्स को ड्रॉप कर लेगा तो हमारा न्यू न्यू जो ई बी आई टी है वो कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है तो so, सबसे पहले कॉम्प्लीकेशंस को दूर करते हैं सबसे पहले हम हमारे फॉर्मेट में जाते हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में भी सीख लिया है फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी आर गेटिंग द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वी आर गेटिंग दी आंसर एज ई बी आई टी विच इज कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्रॉम दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इफ वी डिडक्ट इंटरेस्ट हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं तो अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मिल जाएगा अब सबसे पहले देख लेते देखो यहां पे दिया है हमें सेल्स कितना है सेवेंटी फाइव से वेरिएबल कॉस्ट कितना है फोर्टी टू से फिक्स कॉस्ट कितना है सिक्स लाख से ठीक है थीके? तो ये पहले हम नॉर्मल में प्रेजेंट करेंगे रिवाइज बाद में सॉल्व करवाता हूं सबसे पहले नॉर्मल चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स है हमारा सेवेंटी फाइव लैक्स वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट इज फोर्टी टू लैक्स जस्ट वी हैव टू प्रेजेंट तो 75 फाइव लैक्स में से अगर हम 42 टू लैक्स को माइनस करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 33 थ्री लैक्स दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे दैट विल बी अवर फिक्स कॉस्ट एज सिक्स लैक्स गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें ई का आंसर मिल जाएगा वो होगा 27 सेवन लैक्स ठीक है ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये फॉर्मेट आपने सही तरीके से इसमें चीज़ें प्रेजेंट कर ली तो फिर तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाता है अभी इंटरेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेटेस्ट चेक फ्रॉम द क्वेश्चन देखो डेट की वैल्यू है फोर्टी फाइव लैक्स और डेट का परसेंटेज है नाइन परसेंट तो हमें क्या करना है फोर्टी फाइव लैक्स का नाइन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट करवा देता हूँ आपको ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो फोर्टी फाइव लैक्स इज द वैल्यू ऑफ द डेट एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग नाइन परसेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द डेट तो फोर्टी फाइव लैक्स का नाइन परसेंट आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी फोर लैख फाइव थाउजेंड एंड दिस इज दी इंटरेस्ट अब ट्वेंटी सेवन लैक्स में से फोर्टी फाइव लैख फोर लैख फाइव थाउजेंड माइनस करना है आपको तो यहां पर मिल जाएगा ट्वेंटी टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड दैट इज योअर प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स का परसेंटेज नहीं अवेलेबल क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम डैश दे देंगे फिर हमारा सेम आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स

तीन लीवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बाकी की चीजें जो है वो हम धीरे धीरे पढ़ के सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज आई होप अभी आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ रहेगा फॉर्मूला क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ठीक है सबके पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था कम्बाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी तो अभी इसको सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है ध्यान से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी लेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी थ्री लैक्स कितना ट्वेंटी सेवन चलो सब्सटीट्यूट कर लेंगे अभी यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी थ्री लैक्स डिवाइडेड by ई बी आई टी इज ट्वेंटी सेवन लैक्स तो थर्टी थ्री लैक्स को आपको डिवाइड करना है ट्वेंटी सेवन लैक्स के साथ तो आपको लिवरेज मिल जाएगा वन पॉइंट टू टू कैलकुलेट करके देख लेना सेम आंसर आ जाएगा फिर आपका यहाँ पे ई बी आई टी कितना है ई बी आई टी तो हमको पता है ट्वेंटी सेवन लैक्स इज दी आई टी पीबीटी भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो पीबीटी हमें मिला था सेम ही था ना ट्वेंटी टू लैख फाइव थाउजेंड क्योंकि लिए टैक्स तो हमारे पास नहीं था इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा तो दैट विल बी योर लिवरेज नंबर थर्ड वन इज द कंबाइंड लिवरेज तो यहाँ पे क्या करना है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबीटी करना है तो थर्टी थ्री लैक्स हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था अगर हम 33 लाख को डिवाइड करते हैं ट्वेंटी टू साथ नाइनटी वी आर गेटिंग साथ दम्बाइंड लिवरेज एंड दैट विल बी विलोर फोर दिस इज वेरी इजी इन द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव कवर्ड हाउ टू सॉल्व द नॉर्मल लिवरेजेस तो थ्री लिवरेज वी हैव कैल्कुलेटेड ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज एंड कम्बाइंड लिवरेज हमने तीन लिवरेज यहाँ पे कैलकुलेट इजी तरीके से कर लिया है अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार देखो क्वेश्चन में पहला पॉइंट पूछा है कि फर्म का आर ओ आई ढूंढो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका फॉर्मूला बताता हूँ लीवरेज में लीवरेज में अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने गलती से इक्विटी लिखा दैट इज इक्विटी नहीं है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर तो सबसे सिंपल है इसका फॉर्मूला देखो फॉर्मूला बनेगा आपका ई डिवाइडेड बाय आपके पास जो डेट और इक्विटी होंगे उसको हम ऐड करेंगे डेट प्लस इक्विटी ठीक है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है EBIT divided by debt plus equity into इन because it will be in the percentage format. तो अभी हम देख लेते एक बार EBIT देखो EBIT हमने यहाँ पे calculate कर लिया है that is 27 ,00 debt plus equity देख लेते एक बार देखो यहाँ पे debt दिख रहा है फोर्टी फाइव लैक्स और equity दिख रहा है फिफ्टी फाइव लैक्स तो इसको अभी मैं present करूँगा ताकि आपको easy तरीके से calculation समझ में आए तो हमारा EBIT कितना था हमारा EBIT था ट्वेंटी सेवन लैक्स ठीक है EBIT is आई टी डेट कितना था हमारा डेट था फोर्टी फाइव लैक्स प्लस इक्विटी की वैल्यू कितनी थी इक्विटी वॉस फिफ्टी फाइव लैक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करेंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा दैट विल बी ट्वेंटी सेवन परसेंट तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे हमें कितने परसेंटेज के रिटर्न मिलेंगे तो इट्स ट्वेंटी सेवन परसेंट दैट इज वाई आर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी सेकेंड जो पॉइंट हमको पूछा है वो पहले पढ़ लेते एक बार ताकि आपको ईजी तरीके से समझ में आए फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्या फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है कि नहीं अभी देखो बहुत ही सिंपल है इसको हम कैसे लिखने वाले हैं इसको हम कैसे कंपेयर करने वाले हैं देखो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको डेट जो है आपका डेट यहाँ पे लिखता हूँ डेट हमारा कितना था? देखो डेट हमारा था उसके बदले में हम कितना परसेंट इंटरेस्ट भरेंगे? भरेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है वी नीड टू कमेंट ओवर हियर की वेदर द फर्म इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज तो आपको अभी कैसे पता चलेगा कि फर्म फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है कि नहीं बहुत ही सिंपल है आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट पेमेंट करना है ट्वेंटी सेवन right? परसेंट मिल रहा, है? मिल रहा है मतलब हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और पेमेंट हमें कम करना है हमें रिटर्न ट्वेंटी सेवन परसेंट का मिलने वाला है और उसके कंपेरिजन में वी आर गोइंग टू पे ओनली नाइन परसेंट एज दी इंटरेस्ट तो सिंस वी आर गोइंग टू गेट मोर रिटर्न एंड वी आर गोइंग टू पे लेस इंटरेस्ट एज नाइन परसेंट तो फॉर्म इज हैविंग अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज ठीक है तो यहां पे आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा कैसे लिखोगे आप सेंटेंस सिंस आर ओ आई इज ट्वेंटी सेवन परसेंट विच इज हाइयर दैन रेट ऑफ इंटरेस्ट द फॉर्म एज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज ठीक है काफी सिंपल है सिर्फ कंपेरिजन प्रॉपरली करना है इंटरेस्ट का रेट हमारा कम था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो हमारा ज्यादा था दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न वी आर गोइंग टू गेट एंड वी आर गोइंग टू पे लेस एज दी इंटरेस्ट अभी अगले पॉइंट में देखते हैं अभी असेट्स टर्न ओवर के बारे में पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया हमें क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में पूछा है इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुट्स टर्न ओवर इज थ्री ठीक है असेट टर्न ओवर कितना है थ्री है डज इट है हाई और लो असेट लिवरेज क्या ये हाई और लो असेट लिवरेज है देखो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे असेट्स टर्न ओवर ढूंढेंगे देखो असेट्स टर्न ओवर के लिए एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ वो याद रखना है फॉर्मूला बनेगा आपका नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स ठीक है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स टोटल असेट्स भी बोल सकते हो या फिर यहाँ पे वी कैन आल्सो यूज अ वर्ड ओवर हियर एज टोटल इन्वेस्टमेंट नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट अभी नेट सेल्स जो है वो हमारे क्वेश्चन में थे ना सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव लेंगे टोटल असेट्स मतलब अभी डेट प्लस इक्विटी तो था हमारा डेट फोर्टी फाइव था और इक्विटी फिफ्टी फाइव था दैट मीन इट विल बी वन करोड़ ठीक है वो कितना बन जाएगा वन करोड़ तो अगर सेवनटी फाइव लैक्स को अगर हम वन करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है जीरो पॉइंट सेवन फाइव हमारा असेट टर्नओवर आया है अभी कंपनी ने स्टैंडर्ड दिया है क्या दिया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कितना दिया था थ्री दिया था बराबर है थ्री हमको क्वेश्चन में दिया था तो थ्री इज द स्टैंडर्ड अभी बोला हाई असेट्स टर्न ओवर है या लो असेट्स टर्न ओवर है देखो हमारा ये स्टैंडर्ड थ्री है और हमें कितना आंसर मिला जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव मिला मतलब ये थ्री से कम है मतलब क्या बनेगा लो असेट्स लिवरेज बन जाएगा लो ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे अभी सिंस दसेट्स टर्न ओवर रेशो इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड द फोम एज लो असेट्स लिवरेज ठीक है बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल पार्ट यहां पे पूछा है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो आस्क इन द पेपर तो एक दो बार ये टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मैंने क्या किया स्टैंडर्ड देखा देखा और हमें हमें जो आंसर आंसर मिला था वो देखा, अगर हमारे जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव है अगर ये स्टैंडर्ड से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे लो के जगह पे हाई असेट्स लिवरेज लिखते अभी हमको लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि ईबीआईटी ढूंढो सबसे पहले ध्यान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी वॉट आर द Operating leverage, financial leverage and combined leverage तो हमने ढूंढ लिया। फिर बोल रहा है, उटीआईटी अगर सेल्स आपका पचास लाख हो जाएगा तो इसके लिए मैंने एक का कॉलम यहाँ पे बनाया देखो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा अभी रिवाइज में लिख रहा हूं रह जाएगा 50 लैक्स ठीक है सेल्स कितना बनेगा 50 लैक्स बनेगा अगर आपका सेल्स 50 लैक्स बनेगा तो हमें क्या ढूंढना है हमें ढूंढना है ई बी आई टी ठीक है ईबीआईटी मतलब यहां तक यही हमें ढूंढना है अभी ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेल्स दिया है अगर हम सेल्स 50 लैक्स लिखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं लिखना है वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं लिखना है ये बहुत बच्चे गलत कर लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट फोर्टी टू लैक्स लिख के आ जाएंगे और गलत हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज रिमेनिंग फिक्स तो यहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट लिखूंगा सिक्स लैक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है तो किस तरीके से फिर ढूंढना है बहुत ही सिंपल है देखो परसेंटेज मेथड से भी आप ढूंढ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी आप ढूंढ सकते हैं अब मैं आपको परसेंटेज मेथड से बताता हूं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका रेशो ढूंढ लेते हैं जैसे कि कैसे 42 टू लैक्स फोर्टी टू लैक्स डिवाइडेड बाई इसका हम रेशो ढूंढ लेते हैं आपको आंसर मिल जाएगा 56% 56% 56% 56% मतलब पे है अगर हम 75 का ढूंढेंगे तो 42 टू लैक्स आता है तो यही परसेंटेज अभी मैं पे भी फॉलो करूंगा अभी आप क्या करोगे 50 लैक्स का 56% सिक्स परसेंट ढूंढने का ये रेशो मेथड है परसेंटेज मेथड से हम कर रहे 50 लैक्स का 56 परसेंट आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर आ जाएगा 28 एट लैक्स तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट बनेगा वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है कि जो सेल्स अगर कम होता है तो वो कॉस्ट भी कम होना चाहिए अगर 75 फाइव लैक्स सेल्स है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 42 टू लैक्स है अगर 50 लाख सेल हो जाएगा तो क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट 42 टू लैक्स ही होगा बिल्कुल नहीं आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए तो इसलिए देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा

काफ़ी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन इसको ट्राई करें ताकि आपको ये जो लेवल अभी मैंने आपको करवाया है ये लेवल आपका क्लियर हो जाए और आपके दिमाग में ये कंसेप्ट फिट हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर